राज्यरे कोरोनार सुस्थ हेले आउ 3034 आक्रांत। खोर्धा जिल्लारु सर्वाधिक 892 जन सुस्थ होइतिबा बेले मयूरभंजरु 242 जन सुस्थ होइछन्ते। सेहिपरि बरगडरु 168, गंजामरु 154, कटकरु 150, रायगडा 139, बालेश्वर ओ सुंदरगडरु 97 जन लेखाएं सुस्थ होइछन्ते। केन्द्रछरु 95, संबलपुर 83, केन्द्रापड़ा 80। आजर संख्या को मिसाई राज्य में कोरोना सुस्थ व्यक्ति संख्या 99398 को वृद्धि पाई। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन नहीं आरंभ हो प्रस्तुति, तारीख निर्धारण हो नथिले। कोविड गाइडलाइन भितरे केमिति चलिब गृह से नहीं स्वास्थ्य विभाग और बीएमसी सहित आलोचना करिछन्ति बाचस्पति। विधानसभा बसव दुई दिन पूर्व सब् विधायक और कर्मचारी कोविड टेस्ट नहीं निष्पत्ति और रिपोर्ट नेगेटिव रहिले एंट्री मिल अनुमति। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभर दुई दिन पूर्व समस्त विधायकों कोविड टेस्ट करमिक सबु कर्मचारी भी आरटीपीसीआर टेस्ट हो तारीख निर्धारण हो नी कोविड कटका भितर किपर चल गृह कार्य से नहीं स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त शासन सचिव और बीएमसी कमिशनर सहित आलोचना करिछन्ति बाचस्पति। गृह कार्य चलार 5 दिन पर भी आउ थे टेस्ट होतीत जदि कौन विधायक किंवा कर्मचारी लक्षण देखादिए ताल से आंटीजेन टेस्ट हो विधानसभा अवधि मध्य जो मैंने गृह कार्य जोगदेवे से संगरोधे रे 60 वर्षर अधिक बयस विधायकों पर स्वतंत्र व्यवस्था। गृह कार्य चलिबा समय समस्त विधायक मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता अवलंबन करने को निष्पत्ति होछि। विधानसभा पूर्वर समस्त विधायकों कोविड टेस्ट निष्पत्ति को स्वागत करिछन्ति विरोधी, किंतु गृह कार्य रूपरेख कौन रहिबो, मुलतवी प्रस्ताव आसिबो ना नाही, शून्यकाल रहिबो ना नाही, ए समस्त प्रसंग को नहीं सर्वदलीय बैठक डाकिबा को दावी करिछन्ति उभय बीजेपी और कांग्रेस। संसदीय गाइडलाइन अनुसार विधानसभा बसवाक थवु समस्ते ग्रहण करने उचित बोली कही बीजेडी। वर्तमान सुधा 17 विधायक एवं 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव होती जहाँकि चिंता बढ़ाई। भुवनेश्वर डेवलपमेंट काउंसिल आउ स्वास्थ्य विभाग पक्ष तार अरेंजमेंट हम टीम अफ डक्टर्स रे सका 6 से कार्यक्रम आरंभ हो दुदिन आगु एवं समस्ते स्क्वाब देवे तार टेस्ट रिपोर्ट आमको विधानसभा बसा पूर्व पलि आस रिपोर्ट जो मानक नेगेटिव आने भरको आसवे। विधानसभा अधिवेशन पूर्व समस्त विधायक मानकर मान्यवर विधायक मानक स्वास्थ्य परीक्षा आरटीपीसीआर टेस्ट हम एवं जो मैंने नेगेटिव आसव रिपोर्ट से माने अधिवेशन रे जोग दे पारिबे। जे विधानसभा पूर्वरु समस्त विधायकों का कोविड टेस्ट करा जिवो एवं जो माने पॉजिटिव रहिबे से माने विधानसभा बाहर रहिबे, जो मानकर नेगेटिव आसीबे से माने विधानसभा रे प्रवेश करिवे। एटा आमे स्वागत करूछु ए पदक्षेप को विषय रे आलोचना करिवो याकु निष्पत्ति करिया पई बाचस्पति को हमर अनुरोध रहिबो जे सर्वदलीय बैठक डाकंतो एवं निष्पत्ति करंतो। बाचस्पति जो निष्पत्ति नेबे आमे ताकु विरोध करू, किंतु सर्वदलीय मीटिंग डाकिबा दरकार। जो सर्वदल मीटिंग रे सेठे निष्पत्ति नेले बहुत भलो हबो। एथरा जो विधानसभा अत्यंत अस्वाभाविक परिस्थिति रे बसिबो, कोविड संक्रमण जेतु बढ़ुची ताकु दृष्टि रखी लोकसभा मध्ये से बढ़ि भाबर करचंदी माने बाचस्पति जो निष्पत्ति करचंदी समस्त टेस्ट करिया पे कहचंदी अत्यंत स्वागत जो। सांसद अनुभव महांती घरे पुलिस, पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी 100 नंबर को फोन करी पुलिस सुरक्षा मागिबा परे अनुभव घरे पहुंची कटक पुरीखार थाना पुलिस। यापर कटक महिला पुलिस भी अनुभव घरे पहुंची तदंत करुचे। अभियोग कि अनुभव दुई सहयोगी वर्षा भिडियोग्राफी करने को चेष्टा करुते, एक से कोर्ट को जनइबे कहते वर्षा वकिल। सेपटे अनुभव कहते कि वर्षा जदि घरे असुरक्षित मन करुंटे से निज बाप घर को जाऊना कहीं मो पिता देह बिल्कुल भल ना डायलिसिस चलती आपने देखुन सब रोचान बापा गला बेल देखते ट्रिटमेंट पाई आसला बेलू देखे मोर सब गणमाध्यम गोटे प्रश्न छोटिया प्रश्न आ गया मैटर इज सब्जी बेस्ड न्यायालय द्वारस्थ आम दिज जाक होती आम पर्सनाल मैटर से न्यायालय भरोसा रखु से तो
उचित न्याय देवे जे दोषी से दंड पाइब जे न्याय रे थिबो से जितिबो किंतु कालिका तारीख रे कालिका समय रे जतोले प्रमाण होई जिवो कि मो परिवार बा मु आमे माने सत्य कहुथलु बोली एवं प्रत्येक कथा आमर सत्य एवं आम सामने जो अभियोग सब मिछ बोली आउ वर्तमान आपण मानकर एइभली भाबर जो टीआरपी लढ़ई जुगुरु जदि मोर पितांकर देह किछि अधिक खराब होय तार आपण मानक भितर कोउ गणमाध्यम दायित्व नबाक रेडी अछि मते कहिबे कि प्लीज अ सिंपल क्वेश्चन थ्रू यू टू टू मैडम ऑनरेबल मैडम जदि डोमेस्टिक वायलेंस होउछि ताले मो घरे रहिबार माने कोन हेबि ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଇଏରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ହବ ଭୋଗି ସାରିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋର୍ଟ ଫାଇଟ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୁଣାଣି ହେଲେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ ସେପଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ ବର୍ଷାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି କଟକ SDJM କୋର୍ଟ ହେଲେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୟାନ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ ସେପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲାଟିକୁ କୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 14କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଅନୁଭବ ଦାୟର କରିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାକୁ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ତାହା ମାନିବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେଟା ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଏଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜୁଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 9 ଅଫ୍ ଦି ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆମେ ଦାଖଲ କରିସାରିଛୁ ତାର ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଅଛି ହଜୁର ଆଜି ଅଫିସ ନୋଟ୍ ଦେଖି ଏବଂ ଫାଇଲ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆଜି କେସ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିକି ଅନୁଭବ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ କରିଛି ପଇସା ନାହିଁ ଉନକା ଅପନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ହେ ଓ କମାତି ବି ହେ ଉନକା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ହେ ତୋ ହମ୍ କୋର୍ଟ ସେ ୟେ କହେଙ୍ଗେ କି ଏସେ ମେ ଇନକୋ ଇସ୍ ବାତ କି ରେମେଡି କ୍ୟୁଁ ମିଲ୍ ରହି ହେ ଇସ୍ ବାତ କା କୈସା ମିଲ୍ ରହା ହେ ବାକି କୋର୍ଟ କା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେ ଓର ରହି ବାତ ମ୍ୟାଟର ଫାଇଲ୍ କରନେ କି ତୋ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରନେ କା କାମ କୋର୍ଟ କା ହୋତା ହେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30 ବର୍ଷାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଜୁଳତା ନାୟକ ବର୍ଷାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେପଟେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଏହାପରେ ସେ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବର୍ଷାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେପଟେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ଘରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର କୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସିଲି ଆଉ DIR ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି 20-30 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ କଥା ହେଲି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୂରଣ କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ସେଟା କୋର୍ଟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର୍ କରିବେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି ଘରର କଥା ଘର ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ହେଇପାରିନି ବୋଲି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଘରେ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା କିଏ କହିପାରିବେ ଅକ୍ଟୋବର 12 କଟକ SDJM କୋର୍ଟ ଓ 14 ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ 2 ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲିପିକା ମହାନ୍ତ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଓ ନବେଶ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ 732,000 ଟଙ୍କାର 20x20 ମିଟରର ଏକ ଖଳା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକ ଖଳା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ
हेले चिन्हित स्थानरे जागा अभावरु खळा होई पाइबो नाही बोली जंत्री कहिथिले जहाकु नै विधायक रागरे अश्लील भाषारे गाली गुलोज करिथिले। एई ऑडियो भाइराल परे सहकारी निर्वाही जंत्री प्रतिक्रिया रे ऑडियो विधायक एवं तांको भितरे होइतिबा कथाबार्तार बोली कहिछन्ति रिक्वेस्ट करली मो कथा सुनलनी मु देखिबे केते दम दम अछि बुझलो केते दम के सवाल न के अवसर तुमको देखि मु हला हेलो हम सुनु जी ना ना मोर कथा भाई तुम जो रिक्वेस्ट करली कौ कथा मो रखलो मो तमर दिदा जे की धरि गेसो हम हम पंचायत रे से पुडाने समरण देना आ उसे तलीपाल पंचायत जे की धरि गेसो मो तो आसो कोड विजिलेंस केस मो स्टैंड न करबो देखिबा अयोध्या ते बहुत नीति नियम देखे हुए ऐसे ना बोल तो नीति नियम सारे आप ही पढ़ी हुए आप चेक में जाएंगे अथॉरिटी हो सहकारी जंत्री अनिल पंडा कहिछन्ति कि विधायक बारंबार एभली व्यवहार करती अश्लील भाषा गाड़ी गुलज करिबा और निज लोक काम देवा आदि पाई बाध्य करिथांती। सेपटे सहकारी जंत्री सहित पाटितुंड और अश्लील भाषा गाड़ी गुलज को नहीं विधायक सुकांत नायक प्रतिक्रिया रखिछन्ति। भाइराल ऑडियो तांकर बोली से स्वीकार करिछन्ति तेबे अश्लील भाषा से सहकारी जंत्री को नुहे बर निजे निज को कहुथिले बोली सफाई देछन्ति विधायक से जहाँ जहाँ कहते हैं रखा कहते हैं डाक अफिस् को डाकती से कहते केत भल कहते केत धमकी चमकी भी कहते हैं धमकवाटा अति साधारण भाषा खराब कर जी मैंने भी बहुत दुष्ट हाँ मुझे मो आगे भी भाषा खराब करते कि मतलब डायरेक्ट के भाषा खराब करा धमक नुहे शुणु ये मोर नर्माल पिच मुझे तो टी हाई पिच हो पार थाए मु धमक कहीं देवी कौन धमक देवी शुणु ये अनुशोचना सूचना कौन अच्छी आम जहाँ कही लोक हित कही ये सूचना अनुशोचना माने कि ना शुणु आम लोक हित कौ शुणु आम जहाँ कौ लोक कौ निश्चित थी समय सरला संपूर्ण हलानी बरगड़ जिला बरपाली रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज कम ठिकादार और प्रशासनिक अधिकारी सलाह सुतरा अभियोग जमी अधिग्रहण क्षतिपूरण बिवाद जोगु अधारू बंद करी ठिकादार फेरार हो जाइथिबा अभियोग होइछे। सेपटे घटनार तदंत कराजिबा सह फ्लाईओवर काम शेष कराजिबा बोली कहिछन्ति पूर्त विभाग सहकारी जंत्री। तीन वर्ष पर भी अधबंतरिया प्रकल्प दरखंडिया बरगढ़ जिला बरपाली सोनपुर रेलवे फ्लाईओवर काम 2017 मसीह प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापित होता एथिलागि पूर्त विभाग को मिली 26 कोटी टंकार अनुदान 2020 मे मास सुधा काम सारिबा को निर्देश थिले भी प्रकल्प रही अधारे बरंग ब्रिज निर्माण में व्यापक दुर्नीति अभियोग आसी सेपटे फ्लाईओवर तले निर्मित बाईपास अत्यंत शोचनीय होइथिबारु लोके हेउछन्ति हंतसंत एडा बर्षे उपर हला हां सो तार टाइम दा जंदा सर्वर कथा जेटा आमे क्लियर कट नाही आनी पारु तार टाइम दा आमे जतकी आ आमे बछरे बोले तो बछरे उपर कोले नै माने काम आरे रास्ता रुडा खाल होजे आगे माने जीवा लगे असुविधा होजे 2 वर्ष बिती जेगि आर 2-3 वर्ष लागिबो ठिकादार प्रशासन भितर उल्टा पुल्टा काम दाकर चली ढाटा पुल्टा दुर्नीति बहुत होता तदारू हवा कथा आज गोटे रोड टे हो सामने सकाल बेले 50,000 लोक समागम हो रोड रवस्था आपण मैंने देखे चलू प्रशासन कहीं गले पुलिस तहसीलदार कलेक्टर समस्त कहीं गले फ्लाईओवर निर्माण नहीं उठी क्षतिपूरण बिवाद पुणी अधा काम छाड़ी ठिकादार फेरार हो जाए सूचना फलकरे कार्यारंभ और कार्य शेष तारीख ठिकादार ठिकणा अनुदान परिमाण इत्यादि तथ्य उल्लेख करियम थे भी उल्लंघन सेपटे घटनार तदंत फ्लाईओवर काम शेष पूर्त विभाग सहकारी जंत्री कंप्लीट तो कथा छाड़ 20% 30% भी नहीं पार्बार
आर तार नु बढ़ी रोड रो दुर्दशा जेनटा रोचे इनु पब्लिक बार 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 दुर्घटना होचे किंतु कहारी नजर ही नहीं रहबार तार उपरे एविक्शन पई ए जो जगन्नाथ नगर साइड क्लियर पई सब कलेक्टर कलेक्टर सब मीटिंग करथिले किंतु सेठी जो लोक माने तापर जहां जगह जाउची से माने कहउचंती मिनिमम फोर टाइम्स आमको जो न मिले कंपेनसेसन आम छाड़ दस पंद्रह भितर आम सर रोड टाक बोस साइज सर्विस रोड क्लियर से सर एटा एविशन टाइम गले सर शीघ्र सुझीब विदिन वन इयर जथा शीघ्र ब्रिज काम संपूर्ण ओ बाईपास रास्ता मरामती करा नगरे आंदोलन करा जीव बोली बरपाली वासी कड़ा चेतावनी देछंती बरगढ़ जिला बरपाली रु रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया कार्यरे जोगदेले ट्विन सिटी रो नुआ ट्राफिक डीसीपी सौम्या मिश्र भुवनेश्वर को ताइवान सिटी स्टाइल ट्राफिक सिस्टम करा जीव एथिपाई राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया जीव एथिसह भुवनेश्वर और कटक रे ट्राफिक रो सुपरिचालना करबा तांकर मुख्य दायित्व बोली कहिसेंती ट्राफिक डीसीपी सौम्या मिश्र दायित्व नेबा परे सौम्या मिश्र को सह आलोचना करथिले आम प्रतिनिधि प्रवीर कुमार प्रधान ट्विन सिटी कटक भुवनेश्वर नुआ ट्राफिक डीसीपी भाबे कार्य जोग देइछंती सौम्या मिश्र सीधा सड़क आम आलोचना करवा कौन रही ट्राफिक रिलेटेड प्राथमिकता मैडम न्यूज 18 को स्वागत कर प्राथमिकता कौन रही कटक भुवनेश्वर जेहेतु ट्राफिक डीसीपी समस्त नजर थाए ट्राफिक उपरे समस्त नजर थाए कौन रही प्राथमिकता आज मुझे जॉइन करली प्रथम तो मुझे ट्विन सिटी रे कौन प्रेजेंट ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी सेटा मुझे टिके स्टडी करी एनालाइज करके जमी जोटा प्रेजेंट सिस्टम अच्छी सेटा हमें केमिति स्ट्रेंथन करे पारबे सेटा इफेक्टिव एवं एफिशिएंट करे पारबे ता ऊपर मु विवेचना करबी एंड ता सांगे यदि किछ हम इनोवेटिव एज पर व्हाट पीपल डिजायर इफ वी कैन डू दैट से ऊपर भी हमें वो करबे एक्शन करबे आपन तो आईपीएस ट्रेनिंग नेला बारे मधे ट्रैफिक ऊपर आपन को दिया जते तालीम दिया इथिबो विभिन्न शहर मधे आपन आईपीएस ऑफिसर भाबे एसपी भाबे माने दायित्व निभै सर छंती त यार भीतर मैडम किछि नुहा शहर कटक भुवनेश्वर यार भीतर केमिति आपन टैकल करबे केमिति आपन स्टाफ मान सहित निजे मिसिबे केमिति लोकन सहित मिसिबे ता पई किछि गुटे नुहा प्लान करबे नहीं सेटा निहायते करबे किंतु आज तो प्रथम दिन अच्छी तो ये तो जोटा प्रेजेंट सिस्टम अच्छी से ही देखी कि मु परे किछि करि पारबी जदि हमारो स्टाफ अच्छी किंबा लोक माने जोटा से माने ग्रीवांस से माने पुट अप करबे हमारो सामने ता ऊपर हमें देखी कि कौन एक्शन करे हेबो से हमें परे डिसाइड करबे लास्ट क्वेश्चन हो हमरा जेतु नुवा दायित्व नै छन मैडम कटक भुवनेश्वर रो जो ट्राफिक सिस्टम अच्छी ताकु ताइवान सिटी रो ट्राफिक सिस्टम करिया पई गुटे प्रपोजल बतन सरकार को दिया जायछि ताकु केमति देखछन ताकु प्रोसीड करबे आगु सरकार पाखे दायित्व माने दाबी रखिबे ठीक कि भले आबे कटक भुवनेश्वर ताइवान सिटी को पुन थरे ताइवान स्टाइल ट्रैफिक सिस्टम करा जाय परिबो से प्रपोजल देखि सरला परे ही मु किछि कहि पारबी से विषय उपरे कोरोना महामारी चली यार भितर टिके ब्रेक लगे निश्चित भाव बर्तमान जेहेतु ट्राफिक अनेक स्टाफ बर्तमान कोरोना संक्रमित होती केमती कौन रही कौन आप उपदेश देवे कि भाव कोरोना महामारी समय आमार जो स्टाफ अच्छी पाखे तो गोटे ही सिद्धांत अच्छी जोटा सरकार कहते समस्ते कहते मास्क लगवा दरकार सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा दरकार चलान समय रे भी जोटा से माने ट्रैफिक एनफोर्समेंट करूछंती से टाइम रे भी सजग रहिबा दरकार और बाकी लोको मानन को पाई भी गोटे मेसेज अछि कोरोना निजे जगह अछि किंतु ट्रैफिक एनफोर्समेंट एवं हेलमेट एवं जो रोड सेफ्टी रो अलगा तांकरो वो अछि दायित्व अछि तांकरो ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी अछि सेटा भी से माने कार्य निर्वहन करबे लास्ट पॉइंट रहिबो ट्विन सिटी रो लोकन पाई मेसेज कोन देबे ट्रैफिक डीसीपी हिसाब रे Kindly follow all the traffic rules. That's my only message just now. Thank you. Okay. अनिश्चित अवधि सोमया मिश्रा को प्राथमिकता रही होगा कि वो जहाँ पे ट्विन सिटी रो ट्रैफिक सिस्टम को कि वो जहाँ पे ठीक से ताको फॉलो करी पे एवं लोकों को ऊपर से उठे कथा कोई चंदी कि ट्रैफिक रूल को से माने फॉलो करों तो एवं निजो जीवन को बचान तो कैमरा पर्सन बसंत रथंग सर प्रवीण कुमार प्रधान न्यूज 18 ओडिया बंध्या छाड़ीबा परे बढ़ी चित्त दशा भंगा ददरा घर को सजाड़ छंती विपन्न केन्द्रापड़ा जिलार 9 ब्लक्र 5 लक्षर ऊर्ध लोक प्रभावित बन्यार अनेक बासहरा होता बेले उजुड़ी जाइछि चाष प्रशासन पक्षर् चली क्षयति आकलन बन्यार प्राथमिक आकलन अनुसार जिलार 88 कोटी ऊर्ध टंकार संपत्ति क्षयति होइछि माटिरे मिसिछि चाळ छपर भांगिछि कांथ केबे मणिषकु सहारा देइथिबा ए कांथकु बेसहारा करि देइछि बन्या केन्द्रापड़ा जिलार महानदी और ब्राह्मणीर शाखा नदी में बन्या आसवर अनेक क्षयति घटाई डेराबिश पटामुंडाई आली
ରାଜକନିକା ଓ ରାଜନଗରରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସାତ ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ସରିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ଘର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନଚାହିଁ କିଆ ଛାତ ଉପରକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାହା ଛାପର ଘର କିଏ କାହାର ଯାଇକି ରହିଲା, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଜିନିଷପତ୍ର ଠିକ ନେଇ ପାରିଲେନି, ଯିଏ ଯେତିକି ନେବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ବଡ଼ି ପାଣି ଆସିଲା, ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିକି ବନ୍ଧ ପୁରା ଭାସି ପୁରା ପଳେଇଲା, ଆମେ ଧାନ ଗଜ ହେଇଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଭାସିଗଲା। ସେପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପନିପରିବା ଚାଷ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବ୍ଲକର 377 ଗାଁ, ଗୋଟିଏ ପୌରାଞ୍ଚଳର 7 ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 18,235 ବାସଗୃହ ଓ 3,834 ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେହିପରି 500,000 ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେପଟେ 54,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 8,890,21,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ସରିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। 1 ଜମିରେ କରିଥିଲି ପରିବା ଚାଷ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ 2 ପାଟନରେ 1.5 ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପଚିଯାଇଛି, ଆଉ ପଚିଯାଇ ପଟୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, କିଆରୀରେ ବାଲି ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫସଲ ଲଗେଇଥିଲେ, ଲଗେଇଥିଲୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଛୁଇଁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଜହ୍ନି ଲଗେଇଥିଲୁ, ପୋଟଳ, କଲରା। ଭିଲେଜ୍ରେ ଅରାଉଣ୍ଡ 90,000 ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛୁ। ଅରାଉଣ୍ଡ 18,000 ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ବାକି ଡିଟେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ଲୋକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି RIA ଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ପଠେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବୁ। କେବଳ ଚୁଲି ଚାଉଳ ଉଜୁଡ଼ିନି, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷକର ଆହାର। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।